अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात करें तो इसकी वैक्सीन को बनाने के लिए 12 से लेकर 18 महीने का वक्त लगेगा, और ये सबसे कम वक्त है। अगर इसमें भी ये वैक्सीन बन जाती है तो ये मेडिकल साइंस का सबसे मतलब फास्टेस्ट एंटीडोट होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि फास्टेस्ट वैक्सीन होगी जो बनाई गई होगी। क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले तो सभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे और इनऑर्गेनिक रिएक्शन पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद जब वैक्सीन बन जाती है तो उसका जो ट्रायल होता है वो 10 या 15 लोगों पे किया जाता है जो हेल्थी होने चाहिए बिल्कुल। अगर उनकी रिपोर्ट 100% बिल्कुल सही आती है तो ये जो ट्रायल होता है 100 से लेकर 200 लोगों पे फिर किया जाता है राउंड 2 में। अगर उसमें भी 100% रिपोर्ट सही आती है फिर राउंड 3 में 5,000 मैक्सिमम लोगों पे जो होता है वैक्सीन का ट्रायल होता है। अगर तब भी रिपोर्ट बिल्कुल 100% सही आती है फिर इसका जो वैक्सीन की पूरी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, उसकी रिएक्शंस की और उसका क्या क्या असर हुआ है लोगों पे, उसके बाद रेगुलेशन पे जाती है, यानी जो मतलब जो लाइसेंस की जरूरत होती है उस चीज़ के लिए। अगर लाइसेंस उसके बाद अप्रूव्ड हो जाता है फिर वैक्सीन को जो होता है सभी लोगों को दिया जाता है जिन जिनको ज़रूरत होती है वैक्सीन की। पर इसके लिए बहुत टाइम अभी लगेगा क्योंकि अभी वैसे लगातार कई जो लेबोरेटरीज़ हैं, कई बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टॉप 4 कंपनियां हैं दुनिया की जिनका जो ही इस तरीके की वैक्सीन्स बनाती हैं टॉप क्लास की, वो लगातार इस पर रिसर्च कर रही हैं और उसे बनाने पे अभी रिसर्च में ही है, अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। पर अगर आपने कोरोना वायरस का मुकाबला करना है तो सबसे पहले आपको इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1920 से लेके अभी तक की जितनी भी रिसर्च हमारी टीम ने पढ़े तो उसमें हमें यही पता लगा है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू इम्यूनोलॉजी तो आपको ये वायरस कुछ नहीं कर सकता। आपको इसलिए प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको पानी रेगुलर पीना चाहिए और आपको हेल्थी डाइट्स खाते रहनी चाहिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग रहेगा तो ये वायरस आपको इतना असर नहीं करेगा। अगर आप और वीडियोस भी देखना चाहते हैं मेडिकल साइंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड, तो लगातार हम अपलोड करेंगे अपने इस चैनल्स में, लगातार हमारी टीम्स काम कर रही हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि हम आपको नई अपडेट्स देते रहें। अब आप देखिए कि ये जो वायरस है किस तरीके से हमारी बॉडी में अटैक करता है, उसके हमने डायग्रामेटिकली इसमें समझाया हुआ है और इसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स की रिपोर्ट भी बताई है कि किस तरीके की इसकी वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी है इसकी और इसकी स्ट्रेंथ। और ये है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कोरोना वायरस का, जिसमें आप साफ देख सकते हैं ई प्रोटीन्स, एम प्रोटीन्स और इसका स्पाइक किस तरीके से, मतलब कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ है और किस तरीके से ये हमारे ब्लड के साथ भी मतलब बॉन्ड्स बनाता है और किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, चाहे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है चाहे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और लगातार इंडिया में कोरोना वायरस के जो है केसेस बढ़ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऑप्शन है हमारे पास। देखिए ये एक इसमें बताया हुआ है कि जहाँ पे रेड मेंशन है, ऑरेंज है, इसमें क्लियरली है कि कहाँ कहाँ ये फैल चुका है और लगातार इसमें केसेस आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। अभी तक यही एक इसका कोरोना वायरस का एक इलाज है जो अभी सामने आया है।